दोस्तों, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट बहुत हाई रहता है सबका। जब भी कोई बड़ा बच्चों को पूछता है, बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चे लोग कभी भी छोटी मोटी पोस्ट या छोटी मोटी जॉब नहीं बोलते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा या मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हम इस तरीके का ही जवाब सब लोग देते हैं। बट फिर धीरे धीरे ऐसा क्या होने लगता है कि हम सबका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और हम ये मान बैठते हैं कि बड़ी बड़ी नौकरियाँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ये सबके बस की बात नहीं है। आइए आज इस बात पे चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्यों कम हो जाता है और ऐसा इजिएस्ट वे कौन सा है जिससे हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो के कंसेप्ट को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, बचपन का कॉन्फिडेंस, कुछ बड़ा कर दिखाने का कॉन्फिडेंस, हमको लगता है वो तो बचपन की बात थी, वो अब पॉसिबल नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम होता गया? दोस्तों, इसका कारण है हमारे आसपास के लोग, हमारे बड़े लोग, हमारे फ्रेंड्स और कई ऐसे लोग जो हमको ये बोलते रहे कि बड़ा बनना सबके बस की बात नहीं है, या कुछ कर दिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, या कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है, या इतना ईजी नहीं है कुछ पाना। इस तरीके के डायलॉग सुनते सुनते आपके माइंड ने एक कंक्लूजन निकाला कि कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप तो पढ़ाई करते करते लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, रात दिन एक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा कर दिखाना आपके बस का नहीं है। और शायद वो बहुत स्कॉलर होते हैं, कुछ अलग होते हैं जो लोग कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। ये सब मान्यताएं ऑटोमेटिक आपके माइंड में बन जाती हैं। फिर इसके बाद कभी मार्क्स कम आ गए, कभी कोई एक्टिविटी का क्लास लगाया और बीच में छोड़ दिया, कभी कोई काम धंधा चालू किया और किसी भी रीजन से वो काम धंधा बंद करना पड़ा। इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं हमारे आत्मविश्वास को, हमारे कॉन्फिडेंस को और कमजोर कर देती हैं। इसी तरीके से आपने कोई कोर्सेज जैसे CA, CS इस तरीके के किसी भी चीज के लिए ट्राई किया, कुछ टाइमिंग तक आपने कोशिश की लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली, और धीरे धीरे इस तरीके की कई घटनाएं ऐसी आती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कम हुए कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जाए, कैसे ये कॉन्फिडेंस वापस अपने मन में लाया जाए कि जो भी आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग अचीव कर रहे हैं आप उतना ही अचीव कर सकते हैं, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जरूरी नहीं है कि उसी फील्ड में अचीव किया जाए, किसी और फील्ड में आप अचीव कर सकते हैं, बट कर सकते हैं। दोस्तों, इस कम हुए कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि आप खुद से यह पूछिए और पता लगाइए कि कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आप उसमें कुछ कर दिखाना चाहते हैं। आजकल तो एक बात बहुत अच्छी है कि सक्सेस पाने के लिए, कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए पढ़ाई में ही अच्छा होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी फील्ड में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अब जब आपने पता लगा लिया है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, यह पता लगाने के बाद में आपको उस फील्ड से रिलेटेड लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी है, अभी बड़े बड़े सपने नहीं देखने हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि डेली के छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, सिर्फ एक दिन का गोल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ओनली वन डे गोल। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं और आपको एक दिन का गोल सेट करना है, तो आप पहले दिन सिर्फ इतना ही करिए कि आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड कितनी कंपनीज हैं, यह सब आपको इंटरनेट में पता चल जाता है। उन कंपनीज का बैकग्राउंड क्या है, उनके ओनर ने क्या क्या तकलीफें सहन की हैं, उस कंपनी की हिस्ट्री, ओनर की ऑटोबायोग्राफी, ये सब चीजों के बारे में सिर्फ पता लगाइए। एक दिन में इतना आप इजीली कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन भी आप सिर्फ वन डे का गोल बनाइए और ये देखिए कि कल जो रिसर्च आपने की थी कंपनीज की, उसमें से आप अपने लिए क्या क्या सही समझते हैं या आप
कौन सा काम करने में, किस तरह के से काम करने में आप कंफर्टेबल हैं या आपकी कैपेबिलिटी है, यह सब आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, वन डे गोल बनाने के पीछे का लॉजिक यह है कि जब हमको यह पता चलता है कि यह काम हमको एक साल तक करना है या दो साल तक करना है, तो हमारा माइंड इस तरीके से बना हुआ है कि वह चीजों को ज्यादातर पोस्टपोन करता है। इसीलिए आपने देखा भी रहेगा कि हम में से ज्यादातर लोग अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं। बट जब हम खुद को यह बोलते हैं कि यह सिर्फ एक दिन का गोल है और आज के दिन मुझे यह करना ही है, तो एक दिन का काम करना बहुत इजी हो जाता है। दोस्तों, हम सब में काम करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो हम साल भर का सिलेबस एग्जाम से 10-15 दिन पहले ही पढ़ के खत्म भी कर लेते हैं। बस अब करना इतना ही है कि खुद को पहचान कर उस हिसाब से ही हमने एक्शन प्लान लेना है। जब आप वन डे का गोल लेते हैं, वन डे के लिए हम काम करने की प्लानिंग करते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है एक दिन में काम करना। और जब इस तरीके से धीरे धीरे हम रोज अपने डेली गोल्स को पूरा करते हैं, तो ऑटोमेटिक काम कंप्लीट होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि कोई भी गोल, कोई भी सक्सेस, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वह इस तरीके के डेली स्टेप बाय स्टेप लिए गए एफर्ट्स का ही रिजल्ट है। और एक बार में एक स्टेप, यह सबसे इजी फॉर्मूला है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर हाथी को खाना पड़ा तो कैसे खाएंगे। आंसर है, एक बार में एक निवाला। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को वन डे वन स्टेप वन गोल यह फॉर्मूला सिखाकर उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस दिला सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।